ईद उल अज़हा अपने सबसे प्यारी और कीमती चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का दिन। पूरी दुनिया इस दिन नए कपड़े पहनती है, खुशियाँ मनाती है। लगता है मानो खुशियों का अंबार लग गया हो, मगर दुनिया का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए आइए देखते हैं। इन्हें दुनिया भिखारी कहती है। ये लोग हर गली चौराहे मस्जिद मंदिर के बाहर मिल जाए। क्या ईद की खुशियाँ बस हम लोगों के लिए है? इन लोगों का क्या जो दर दर टोक टिकाते हुए भीख मांगकर अपना अपने परिवार का पेट पालते हैं? क्या हम सच में भूल गए हैं कि हमारी कुर्बानी में तीसरा हिस्सा इनका भी होता है? अगर हमको क्या, हम लोगों को तो बस अपनी फ्रिज भरने से मतलब है। इनका क्या है, ये तो अभी भीख मांग रहे हैं और आगे भी भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको यही सिखाया है? वो तो खुद भूखे पेट सो जाते थे, मगर दरवाजे पर आए मोहताज को कभी काली हाथ वापस ना भेजते थे। और एक हम हैं, खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और दिल का सुकून मिलेगा सो अलग। आओ दोस्तों, वादा करें अपने आप से, इस बार हम अपनी ईद की खुशियों में इन गरीबों को भी शामिल करेंगे और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे।